गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सो नाउ मूव ऑन टू द गॉल्जी एपरेटस। सो फर्स्ट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गॉल्जी साइंटिस्ट वाइल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटिंग ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल पे they were experimenting on nervous system and they found this organelle. Now look at this picture. This is Golgi apparatus. This is a flattened sac or membranous structure which is just next to the endoplasmic reticulum. Now look at this picture. In the cell, this is the big nucleus and here are endoplasmic reticulum. Now next, just next to this structure, there is endoplasmic reticulum. This is the expanding structure of the endoplasmic reticulum. सो वॉट इज इट्स फंक्शन? बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज देयर प्रोटीन, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग और मॉडिफिकेशन और उस प्रोटीन को पैकेजिंग का काम क्या होता है, गॉल्गी एपरेटस का होता है। और आफ्टर पैकेजिंग ये टारगेट डेस्टिनेशन पे जाता है विद दिस ऑर्गेनेल्स। नाउ यू कैन सी देयर आर सम सिक्रेटरी वेसिकल। अब सिक्रेटरी वेसिकल्स में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होती है जो मॉडिफाइड प्रोटीन होती है, दे आर रेडी टू वर्क ऑन देयर डेस्टिनेशन, ये डिलीवरी हो जाती है उसके बाद। एंड यहाँ पर क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है गॉल्गी एपरेटस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है, स्मॉल ऑर्गेनली है, यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, हेयर इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली विच इज लाइसोसोम। इसका मेन काम क्या होता है, डाइजेशन का, ठीक है, एंड वेस्ट रिमूवल का। इट्स क्लीनिंग के लिए भी, क्लीनिंग कह सकते हो, क्लीनिंग पर्पस के लिए होता है क्योंकि ये वेस्ट रिमूव करता है, जो जितने भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है और रिमूव करता है, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। नाउ इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। व्हेन एवर सेल गेट वॉर्न आउट, सेल गेट डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाती है इन एनी कंडीशन, तो क्या करेगा, ये पूरी बस्ट हो जाती है, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है और सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और पूरी की पूरी सेल को ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नाउ वी कैन सी दैट लाइसोसोम इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ द सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूवल ऑफ द डेड सेल एंड वॉर्न आउट सेल्स को भी डाइजेस्ट करता है एंड एनगल्फ करता है वायरस एंड बैक्टीरिया, जो भी हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड, जो हमारी सेल्स के अंदर अनवांटेड थिंग्स आ जाती है उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली फॉर क्लीनिंग द सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ द सेल, ठीक है। कैसे है, मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम देखें तो इसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट मीन योर एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है विच इज यूज टू डू मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन द सेल। एनर्जी करेंसी का हम यूज करते हैं जितना भी हम काम करते हैं, ठीक है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसमें, दैट मीन इट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सेल। जितने भी बिगर मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिएंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट है, उसको क्या करता है, ये ब्रेक इट डाउन, उसको छोटे स्मॉलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है एंड एनर्जी रिलीज करता है। दिस एनर्जी इन टर्न यूज्ड बाय द सेल टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। क्लियर है? तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट करना है। और एटीपी क्या है, एटीपी इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ जो एटीपी जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट टू स्मॉलर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें आपके जितने भी बिगर मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं और उसके थ्रू क्या एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं, ठीक है। तो एटीपी ही ऐसी एनर्जी है जो हमारे जो सेल के बहुत सारे काम होते हैं, वेरियस फंक्शन होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो कैसे आती है, एटीपी के थ्रू आती है। सो यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग इज दैट
कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, एटीपी जनरेशन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बिगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और एटीपी जनरेट करता है। अब देखिए, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इसका डीएनए भी अपना खुद का होता है, ठीक है। एक तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, केंद्रक में प्रेजेंट होता है सेल के। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, एक्सेप्ट जो आपकी सेल है उसमें सिर्फ यही तीन ऑर्गेनली होते हैं, एक तो न्यूक्लियस जिसमें मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूंगी, वो प्लांट सेल में बात बताएंगे हम, ठीक है, उसमें भी डीएनए अपना खुद का होता है, ठीक है। तो जो जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है वो सभी ये अपने डीएनए के थ्रू ही यहाँ पर बना लेता है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये आपको याद रखना है, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। नाउ प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप, वन इज क्रोमोप्लास्ट, एज इट्स नेम इंडिकेट, क्रोमो मीन्स होता है कलर प्लास्टिड, यानी कलर वाले प्लास्टिड, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट which is having chlorophyll pigment, ठीक है, कौन सा pigment होता है, green color pigment, that is chlorophyll, which is responsible for the photosynthesis by which they make their own food, they synthesize their own food, plant cell क्या होती है, अपने आप से अपना food preparation खुद ही करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं chloroplast organelle, like you can see from here, this is chloroplast, and the stake of units you can see, this is the structure of chloroplast in the cell, it is present in plant cell only, और इसको हम कहेंगे chromoplast, यानी color वाला plastid, color वाला क्यों कहेंगे, because it is having green color pigment, chlorophyll जिसे कहा जाता है, chlorophyll pigment होता है, green color pigment, which is present in chloroplast, इसीलिए हम इसको कहते हैं chromoplast, ठीक है। Now, another one is leucoplast, यानी colorless plastid. Leucoplast का मतलब हो गया colorless plastid. और इसका main काम क्या होता है? Storage of oil, lipid, protein granule in the cell. ठीक है? तो plastid two type. One is chromoplast, another one is leucoplast. Chromoplast is color plastid. For example, chloroplast. Chloroplast में कौन सा pigment है? Green color. ठीक है? तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज ए बाय विच दिस इज प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच सेल मेक देयर ओन फूड, सेल अपने आप से अपना खाना बनाती है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसका मेन फंक्शन है टू स्टोर ऑयल लिपिड एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल फॉर द सेल। नाउ वैक्यूल, वैक्यूल मोस्टली बिगर साइज इन प्लांट सेल, ठीक है। जो साइज होगा वैक्यूल का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, इसका टर्जर प्रेशर मेंटेन करती है, ठीक है, और डिस्पोजेबल का भी काम करती है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ भी करती है, एंड स्टोरेज का भी काम करती है, समटाइम इट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनली लाइक न्यूट्रिएंट एंड पिगमेंट्स स्टोर इन दिस वैक्यूल। अब मैं एनिमल सेल की बात करती हूँ, तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होती है विच इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस लार्ज वैक्यूल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल और मोर इन नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही वैक्यूल है विच इज वेरी लार्ज, ठीक है। इसका मेन काम क्या हो गया, स्टोरेज का हो गया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का हो गया, या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का हो गया। एनिमल सेल्स में जो ये वैक्यूल होती है वो क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल वैक्यूल, ठीक है, स्मॉल होती है और नंबर भी इसके ज्यादा होते हैं। प्लांट सेल में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही वैक्यूल दिखाई देगी जब भी आप इसका सेल का डायग्राम देखोगे, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें बहुत सारे होती हैं वैक्यूल, छोटी छोटी होती है। नाउ दिस इज द डायग्राम दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल की होती है, रिजिड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखेंगे एनिमल सेल में अगर आप देखते हो तो ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं आप, क्लोरोप्लास्ट
दैट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा। तीसरा डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पे जो वेक्यूल है विच इज वेरी लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, सेंट्रली प्लेस्ड यानी बीच में होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वेक्यूल यहाँ दिख नहीं रही है, वैसे वेक्यूल होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है और साइड में होती है, ठीक है, नॉट इन द मिडिल। नाउ फोर्थ डिफरेंस इज सेंट्रियोल प्लेस्ड, जो सेंट्रियोल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ अनदर डिफरेंस इज एनिमल सेल जो होती है वो राउंड और समटाइम इरेगुलर इन शेप, ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स आर फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर शेप होती है इनकी। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ये जो प्लांट सेल होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, दैट मीन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, ठीक है। एनिमल सेल क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक, दैट मीन दे एंगल्फ फूड पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड, ये खुद अपना फूड का सिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल में थोड़े कम नंबर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के एज कंपेयर टू एनिमल सेल, क्लियर है। तो ये कुछ आपको डिफरेंस याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एंड यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ द डिफरेंसेज आई प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म, यू कैन सी द डिफरेंसेज विच आई टोल्ड यू अर्लियर, शेप फिक्स्ड रेक्टेंगुलर इन प्लांट सेल, राउंड एंड इरेगुलर इन एनिमल सेल, सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल, सेंट्रियल एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल, वैक्यूल लार्ज एंड सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, एंड ओनली वन इन एनिमल सेल इज स्मॉल एंड मोर इन नंबर, न्यूक्लियस यूजली प्रेजेंट एट द पेरीफेरी एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंट्रल ऑफ द सेल इन एनिमल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर एंड एनिमल सेल इट इज मोर इन नंबर, न्यूट्रिशन आई टोल्ड यू बिफोर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली एंड इन एनिमल सेल दिस इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन दे एक्वायर देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। नाउ आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 5, आई कंप्लीटेड माई दिस वन दिस चैप्टर।